हिमंता विश्व शर्मा ने पूरे हिम्मत के साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने की ठान ली है। कल जमकर संथाल में गरजे और आज कोल्हान में गरज रहे बांग्लादेशी घुसपैठ पर। देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं क्या कुछ कहा है आज हिमंता विश्व शर्मा ने। कोल्हान पहुंचने के बाद जमशेदपुर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर निशाना साधते हुए यह कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के रहने से झारखंड का अस्तित्व कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही साथ यह भी दावा कर दिया कि हेमंत सोरेन को अगर यह लगता है कि यह केंद्र सरकार की समस्या है तो फिर वो लिख कर दें, इस पर केंद्र सरकार सीधे एक्शन लेगी। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी का जमशेदपुर दौरा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिमंता का किया भव्य स्वागत। हिमंता ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। घुसपैठ पर हिमंता विश्व शर्मा का बयान, घुसपैठ खत्म नहीं हुआ तो खत्म हो जाएगा झारखंड। सीएम हेमंत सोरेन केंद्र सरकार को लिखे पत्र, केंद्र सरकार घुसपैठियों को हटाएगी। हिमंता विश्व शर्मा ने दावा किया है, ये हेमंत सोरेन लिख कर देंगे तो धन्यवाद। तुलसी भवन में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक, हिमंता विश्व शर्मा अर्जुन मुंडा सहित कई बड़े नेता मौजूद। बीजेपी ने राज्य सरकार पर जमकर बोला हमला। कांग्रेस जेएमएम की वर्तमान सरकार ने मचा रखी है लूट, अर्जुन मुंडा ने कहा है झारखंड को उनसे बचाने का वक्त आ गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से। प्रभात, हिमंता विश्व शर्मा आज जमशेदपुर में है, कोल्हान के दौरे पर है, मुद्दे वही है बीजेपी के, बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर क्या कोल्हान को साध पाएगी भाजपा? देखिए अभिषेक, लोकसभा चुनाव के बाद आज जमशेदपुर जब पहुंचे तो आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने जिस तरीके से सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी से उनका स्वागत किया तो ये नज़ारा देखने लायक था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वो जमशेदपुर पहुंचे और कहीं ना कहीं जमशेदपुर के कार्यकर्ताओं में एक तरह से कहें तो ऊर्जा भर दिया। जिस तरीके से कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे थे और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुआ, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, आने वाले 30 साल में झारखंड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आने वाले समय में वो जो घुसपैठिए हैं वही राज्य का नेतृत्व करेंगे, वही राज्य में राज्य करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र की जैसे राज्य सरकार आरोप लगा रही, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसा कहते हैं कि ये केंद्र की समस्या है, केंद्र को इसको निपटाना चाहिए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर केंद्र को अगर मुख्यमंत्री अगर पत्र लिख कर देते हैं तो केंद्र इससे जरूर निपटाने का कोशिश करेगा। लेकिन उनको ये भी कहा कि हमको उनको धन्यवाद कहकर जाएंगे कि अगर वो एक पत्र दे देते हैं केंद्र सरकार को, जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ में जिस तरीके से पूरे पूरे झारखंड में जिस तरीके से प्रवेश करा, खासकर उन्होंने पाकुड़ और संथाल का जिक्र जरूर किया है। वैसे अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि असम का एक नंबर है, दो नंबर पर बंगाल आता है, तीसरे नंबर पर झारखंड का जिक्र किया और चौथे नंबर पर है त्रिपुरा, तो समझा जा सकता है किस तरीके से आने वाले में दिनों में झारखंड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और राज्य सरकार को आड़े हाथे लेते उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है, उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से बालू की लूट हो रही है या फिर आए दिन हत्याएं हो रही है, ये सारी मुद्दों को भी उन्होंने मीडिया के सामने रखा। और उसके बाद वहां से निकलकर वो जो संगठनात्मक बैठक थी तुलसी भवन में, वहां कार्यकर्ताओं को उन्होंने सम्मत किया। उस संगठनात्मक बैठक में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और कई ऐसे बड़े नेता उस कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को जोश भरा और कार्यकर्ताओं को कहा कि पूर्वी और पश्चिमी को इस बार हमें हर हाल में जीतना है, टिकट किसे मिलता है ये नहीं देखना है, हमें जीतना है और हमें कमल को खिलाना है और राज्य में भाजपा की सरकार को लाना है, ताकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से भाजपा कार्य करेगी। और निश्चित तौर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक जोश भरा है और कहा कि जब भाजपा की सरकार बनेगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो राज्य का विकास होगा, इन सारी बातों को लेकर कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने जोश भरा है। लेकिन जिस तरीके से आज मीडिया के सामने मुखातिब हुए हेमंत विश्व शर्मा ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिल्कुल प्रभात, बिल्कुल जो भी उन्होंने कहा निश्चित तौर पर एक तरफ कार्यकर्ताओं में जोश भरा, दूसरी तरफ बांग्लादेशी घुसपैठ पर निशाना साधा। लेकिन विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि कोल्हान कहते तो संथाल को जेएमएम का गढ़ है, लेकिन फिलहाल कोल्हान भी जेएमएम की ही सेंध बन चुका है, जेएमएम का ही गढ़ बन चुका है और वहां सेंधमारी करना बीजेपी के लिए
बहुत जरूरी हो गया। गीता कोड़ा एकमात्र सांसद थी, इस बार गीता कोड़ा भी चुनाव हार चुकी हैं और विधायकों की तो आप बात बेहतर जानते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।